अब हमने पढ़ना है सेकेंड फेस. देखो पिछले वाले वीडियो में मैंने लाइट रिएक्शन बताया. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बायोसिंथेटिक फेस एंड दैट इट्स डार्क रिएक्शन. देखो डार्क रिएक्शन ये क्लोरोप्लास्ट होता है विच इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इसमें ये ग्रैनल्स हैं. अब इस ग्रैना में ये होता है स्ट्रोमा. सो हमने जो पढ़ा लाइट रिएक्शन वो इस ग्रीन वाले पार्ट में होता है. इस ग्रीन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थायलाकॉइड. और ये उसका ल्यूमिन है. तो यहाँ पर फोटोसिस्टम से इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में. अब जो डार्क रिएक्शन होगी वो इसमें होगी जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं. ठीक है. तो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब हम इसको ग्लूकोज में चेंज करते हैं, इस कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन विच अकर्स इन स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है. द प्रोसेस मेक्स, अब यहाँ पर यूज होता है एटीपी एनएडीपीएच जो कि हमने फोटोकेमिकल फेज में बनाया था, जो कि हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था. लाइट रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया कहाँ होती है, थायलाकॉइड में. देन C3 पाथवे और केल्विन साइकिल. द पाथ ऑफ कार्बन इन द डार्क रिएक्शन वॉज ट्रेस्ड बाय मेल्विन केल्विन थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी बाय यूजिंग दिस. हेंस दिस पाथवे इज टर्म्ड एज केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ RuBP. तो इसके 3 फेजेज हैं. कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, C3 प्लांट ने फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट किया है फॉस्फोग्लिसरिक ऐसे, तभी इसका नाम C3 पढ़ाया, क्योंकि इसमें पहला कार्बन जो है वो थर्ड कार्बन, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल काम करता है कार्बोक्सिलेशन. 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस रिबुलोज 1,5 फॉस्फेट रिएक्ट करता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस एक शॉर्ट लिफ्ट कंपाउंड. इस शॉर्ट लिफ्ट और ये सारी रिएक्शन कौन कैटालाइज करता है, RuBP कार्बोक्सिलेज. 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक्स इंटू 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है इस पूरे पाथवे का. फिर आता है रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होता है कि 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आर कन्वर्टेड इंटू 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड देन रिड्यूस टू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL आर डाइवर्टेड. तो ये फिर इसमें रिडक्शन मतलब रिड्यूस होने लगता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है. फिर जो रह गया वो वापस RuBP बनाएगा. ठीक है. फॉर द साइकिल टू कंटिन्यू प्राइमरी एक्सेप्टर, ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है कि कितना इनपुट हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP, 12 NADPH. और कितना यूज हुआ आपको ये याद रखना, 18 ATP, 12 NADP. तो ये क्वेश्चन आपको आया है. टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए 6 टर्न ऑफ से ये लगते हैं, आपको ये याद रखना है. ठीक है. तो ये केल्विन साइकिल था. उसके बाद आता है फोटो रेस्पायरेशन. फोटो रेस्पायरेशन इस C3 प्लांट, सारे के सारे प्लांट C3 होते हैं क्योंकि सब में केल्विन साइकिल होता है. RuBP कार्बोक्सिलेज, इसका फुल फॉर्म है RuBP कार्बोक्सिलेज विच इज़ द मेन एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस. फंक्शन इज ऑक्सीजनेज. जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन हाई हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन हाई हो जाएगी तो यही RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन को पकड़ेगा. इट कैटालाइजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ RuBP इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड जिसे फोस्फोग्लिसरेट बोलते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कंपाउंड जिसे फोस्फोग्लाइसरेट बोलते हैं. फोस्फोग्लाइसरेट इज क्विकली कन्वर्टेड टू ग्लाइकोलेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू पेरोक्सीजोम्स. तो ये इसका प्रोसेस है. ये 3 जगह पे होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया. तो 3 जगह पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. क्लोरोप्लास्ट ये RuBP है, ये ऑक्सीजन को पकड़ेगा. इन द एब्स्ट्रे इसका फुल फॉर्म है रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिनेज ऑक्सीजनेज. ये बना फोस्फोग्लाइकोलेट प्लस PGA. इसने किसमें कन्वर्ट किया, ग्लाइकोलेट में. ग्लाइकोलेट आ गया पेरोक्सीजोम में, ग्लाइकोसिलेट बनाया, ग्लाइसिन बनाया, फिर ये ग्लाइसिन और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. इसलिए हम इसे फोटो रेस्पायरेशन बोलते हैं कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ये उल्टा काम करेगा. ये क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, दोबारा से ये साइकिल होगा. तो इट इज़ अ वेस्ट प्रोसेस, ये नहीं होना चाहिए. सो इन द पेरोक्सीजोम ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है. सो दिस इज़ अ वेस्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है वो आपका नहीं होना चाहिए. सो फोटो रेस्पायरेशन को नहीं करने के लिए हमारे पास एक
तरीका है, उस तरीके का नाम है C4 पाथवे, विच इज़ इसे हैसलैक पाथवे भी बोलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैसलैक पाथवे में दिस पाथवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स इन प्लांट लाइक मेज, शुगर केन, पर्ल, मिलेट, अमरनाथ. ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं. द प्लांट्स विच इम्प्लॉय दिस मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन शो द प्रोसेस ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स. इसमें दो तरह के फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, एक मीजोफिल सेल, ये पत्ता है, तो पत्ते में ऊपर मीजोफिल सेल्स और अंदर की तरफ बंडल शीट होती है. इस ये बंडल शीट गोल होती है और इसे हम क्रैंस एनाटॉमी भी बोलते थे. बहुत बारी क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रैंस एनाटॉमी. द क्लोरोप्लास्ट आर डायमॉर्फिक. यहाँ पे दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक वो जो मीजोफिल में है और एक वो जो बंडल शीट में है. जो मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रैनल है. जो बंडल शीट में है वो अग्रैनल है. ग्रैनल वाले में लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन बनेगी और ऊपर चला जाएगा. अग्रैनल वाले में ग्रैना ही नहीं है, तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, रुबिस्को. और रुबिस्को को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये फोटो रेस्पायरेशन नहीं करेगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अडैप्टेशंस हियर. द क्लोरोप्लास्ट आर डायमॉर्फिक, क्रैंस एनाटॉमी, ये भी आपको छोटी छोटी चीज़ें. दोज इन द मीजोफिल सेल्स आर ग्रैनल एंड दोज इन द बंडल शीट सेल्स आर अग्रैनल. दिस इज एड्रेनल नहीं आएगा, अग्रैनल. फोस्फेनॉल पाइरूवेट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स एंड द रिएक्शन इज कैटलाइज बाय द एंजाइम फोस्फेनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज. याद रखना यहाँ पे फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, ये देखो ये दो जगह पे होगा. दिस इज मीजोफिल सेल एंड दिस इज योर बंडल शीट जो कि पत्ते के अंदर की तरफ होती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड आई, ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ अंदर जाके मिलेगी और बाइकार्बोनेट आयन बनाएगी. बाइकार्बोनेट आयन को फिक्स किया जाएगा फोस्फोइनोल पाइरूवेट पेप केस करके एंजाइम होता है, वो इसको पकड़ेगा और ये पहला एसिड बनाएगा. जो सी सबसे पहले फोस्फोइनोल पाइरूवेट जो है वो एक्सेप्टर होता है और ये C4 एसिड बनाता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ये इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, तभी हमने इसको C4 साइकिल बोला. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज दिस, एंजाइम इज दिस, प्राइमरी एक्सेप्टर इज फोस्फोइनोल पाइरूवेट. कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन पढ़ रहा है, फोस्फोइनोल पाइर. फिर ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होकर इधर आता है, ये C4 एसिड अंदर चला गया, ये आ गया मैलिक एसिड. ये कौन सा एसिड है, मैलिक एसिड. मैलिक एसिड टूट जाएगा दो में, डीकार्बोक्सिलेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनेगा पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट होगा, इसको पकड़ेगा और ग्लूकोज बना देगा. जो बाकी का C3 एसिड है वो वापस जाकर रीजनरेट हो जाएगा. तो दिस इज C4 साइकिल, ठीक है. सो यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, ये भी C4 है, ये भी C4 है, बट ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट और इसी के नाम पे नाम रखा गया. बंडल शीट में जाएगा जहाँ पे उसको हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, ये C3 एसिड है. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर केल्विन साइकिल, हम यूज़ करेंगे, पाइरूविक एसिड वापस आ जाएगा, ठीक है. तो इट इज़ एन अडैप्टिव मैकेनिज्म, तो एक तरह से अडैप्टेशन है जो अवॉइड करती है, देखो, फोटो रेस्पायरेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलिक एसिड, ठीक है. सो लास्ट इज योर क्रासुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म. अमंग डायकॉट प्लांट्स द फैमिली क्रासुलेसिन, जिसमें जेड प्लांट है, ब्रायोफाइलम है, एंड अमंग कॉटिलेडन प्लांट्स अ मेंबर ऑफ लिलिएसिस, अनियन हो गया, ऑर्किडेसिस में ऑर्किड्स आ गए, ये कैम करते हैं. कैम जो होता है वो ज़्यादा सकलेंट नेचर में होता है. इसमें स्टोमेटा नाइट में ओपन होता है और दिन के वक्त बंद रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नाइट के समय होती है, ठीक है. और यहाँ पे एक्सेप्टर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का, PEP. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मैलिक एसिड सिंथेसाइज होता है और फिर इसको स्टोर कर दिया जाता है. डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलिक एंड अकर्स ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड ड्यूरिंग डे. रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग केल्विन साइकिल एंड कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. ड्रॉप इन स्टोर स्टार्च एंड मैलेट अकर्स ड्यूरिंग नाइट एंड डे रिस्पेक्टिवली. तो ये आपके आ गया कैम, ठीक है. फिर आता है तुम्हारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. व्हेन अ ब्लैकमैन्स लॉ कहता है कि जब आप फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कंट्रोल में, नंबर ऑफ फैक्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द लोएस्ट फैक्टर, जो सबसे कम होगा वो करेगा मैं, ठीक है. जैसे अगर लाइट कम है, टेम्परेचर कम है, सब कुछ ठीक है, टेम्परेचर कम है या लाइट कम है तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है. ये ब्लैकमैन लॉ है. सो ये है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट. इसको क्या क्या चाहिए, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं.
इसमें ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है. क्लोरोप्लास्ट में दो लीव्स में दो चीज़ें होती हैं, एक डार्क रिएक्शन एक लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन ग्राना में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं. यहाँ है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फिर है कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. ये थायलाकॉइड में होगी, दिन के समय होगी. और द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन थायलाकॉइड और क्लोरोप्लास्ट, ये इसका रिएक्शन है, आपको याद करना है. दो तरह की फोटोफॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक. नॉन साइक्लिक में बोथ फोटोसिस्टम्स काम करते हैं. एटीपी एंड एडीपीएच आर प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन. फोटोफॉस्फोराइलेशन में मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ एक फोटोसिस्टम करती है, इसमें एटीपीज नहीं बन आर फॉर्म्ड, बाकी चीज़ें कुछ नहीं बनेंगी. फिर है सी थ्री साइकिल में तीन स्टेप्स है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन. और इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 18 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और 18 मॉलिक्यूल एनएडीपी यूज होते हैं. ये मीजोफिल सेल्स और बर्नर्शी सेल्स में होता है C4 साइकिल. और इसमें 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है वो रिक्वायर होता है. तो बहुत अच्छा इन्होंने दिया है. ठीक है, ये भी एक चार्ट है. फोटोसिंथेसिस, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल का डिफरेंस, वेरी वेरी गुड डिफरेंस. प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? यहाँ पे RuBP, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. रूबिलोज, बिसफॉस्फेट, 1,5-बिसफॉस्फेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. ये 5 कार्बन, ये 3 कार्बन, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-PGA. फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इसके पास ये है, इसके पास है ऑक्जैलो एसिडिक एसिड, इसी के नाम पे इसका C4 नाम पड़ा है. रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, केल्विन साइकिल में कैन नॉट ऑपरेट. ये बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पे काम नहीं करेगा, ये कर सकता है. ATP मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 3 ATPs आर पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, या 5 ATPs पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. ये एक्सपेंसिव है. री रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वंस फिक्स्ड इज नॉट रिलीज्ड. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड मीजोफिल सेल इज रिलीज्ड इन बंडल शीट. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट इसका स्लो है, इसका फास्ट है. ऑप्टिमम टेम्परेचर देख लो इसका और इसका नोट कर लो. ठीक है, एग्जाम्पल C3 साइकिल सब प्लांट करेंगे, C4 फ्लाइट सिर्फ थोड़े से प्लांट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस आता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन थायलाकॉइड रीजन में होती है, इसमें दोनों सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं. साइक्लिक स्ट्रोमा लैमेला में, स्ट्रोमा लैमेला क्या होते हैं? थायलाकॉइड है, ये स्ट्रोमा लैमेला है, इसमें होता है. इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सपल्ड बाय दी रिएक्शन सेंटर, ये इन्वॉल्व है, वापस इसी के पास आएगा. इसमें यहाँ से जाएगा और वापस इसके पास नहीं आएगा, 700 के पास जाएगा. इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. और ATPs आर सिंथेसाइज, यहाँ पे ATPs और NADPH2 दोनों सिंथेसाइज होते हैं. इसके लिए आइडल कंडीशन है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोबिक कंडीशन. इसके लिए लो इंटेंसिटी ऑफ लाइफ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एरोबिक कंडीशन. डोमिनेटिंग ग्रीन प्लांट्स, अकर्स इन ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज. ठीक है, बाकी इसकी ज़रूरत आपको नहीं. बहुत अच्छा है ये, इसको एक बार पढ़ो आपका निकल जाए. थैंक यू.